गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम अनमोल मैसी, पीजीटी फिजिक्स, माउंट लिट्रा जी स्कूल, झांसी। चिल्ड्रन, इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नाउ टूडे डायग्रामेटिकली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लुक्स लाइक एंड हाउ एग्जैक्टली वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फर्स्ट इज सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसी बनानी होगी या कैसी ड्रॉ करनी होगी। तो इन द प्रॉपर्टीज इटसेल्फ वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनानी है, किसी भी तरफ बना दीजिए, लेकिन उसका डायरेक्शन मतलब आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन केवल आउटवर्ड होना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका डायग्राम बनाइए और उसका डायरेक्शन आउटवर्ड्स बना दीजिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। सिमिलरली इन प्रॉपर्टीज इटसेल्फ वी हैव स्टडीड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टर्मिनेट हो जाती हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, एक नेगेटिव चार्ज बनाओ, एग्जैक्टली ऐसा ही डायग्राम बनाइए, लेकिन बस उसका डायरेक्शन इनवर्ट कर दीजिए कि वो नेगेटिव चार्ज पे आकर के टर्मिनेट हो रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर हमारे पास में दो चार्ज का एक पेयर है। ये देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। वैसे इसको डायपोल बोलते हैं, बट अभी डायपोल आपने पढ़ा नहीं है तो उस बात को छोड़िए, लेकिन ये वर्ड ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ अ डायपोल, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। डाई का मतलब होता है दो और पोल्स का मतलब तो आप समझते ही हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको डायपोल बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, तो आप देख सकते हैं इससे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही हैं। और नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा इनवर्ड आती हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सब इनवर्ड आ रही हैं। तो अब यहाँ पॉजिटिव से आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालिए जो नेगेटिव पे जा करके ख़त्म हो जाएंगी, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा ऐसे बाहर को आप निकाल करके ऐसे ही छोड़ दीजिए, जो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हो सकता है ये यहाँ से कहीं से घूम करके नेगेटिव पे वापस आएंगी। इसी तरीके से इस तरफ भी आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग से ऐसी फैली हुई सी बना दीजिए। नेक्स्ट है दो पॉजिटिव चार्ज का पेयर। अब यहाँ पिछले केस में हमारे पास में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज था, अब हमने यहाँ पर एक पेयर बनाया जहाँ पर हमारे पास में दो पॉजिटिव चार्ज हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में दो पॉजिटिव चार्ज हैं, जहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बाहर की तरफ निकाला है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अपने हिसाब से बाहर की तरफ निकल के फैल रही हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल करके फैल रही हैं, लेकिन हाँ ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपस में थोड़ा सा रिपेल भी होंगी, क्योंकि अगर ये रिपेल नहीं होंगी तो आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगी। एक केस और हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अगर हमको दोनों नेगेटिव चार्ज दे दी जाए तो क्या करें, तो सेम डायग्राम बनेगा, बस इनके जो एरोज आउटवर्ड्स हैं उनको हम लोग इन्वर्ट कर देंगे। चिल्ड्रन, आर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या मीनिंग होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि डाई का मतलब होता है और पोल्स का मतलब तो आप जानते ही हैं, जैसे नॉर्थ एंड साउथ होता है, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इंस्टेड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि मैंने एक माइनस क्यू चार्ज लिया है और एक प्लस क्यू चार्ज लिया है, दो चार्ज लिए हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी है जिससे वो सेपरेटेड हैं। ये डिस्टेंस जो है ये अगर आप देखें, अगर मैं मिड पॉइंट से नापूं तो इधर से माइनस चार्ज तक का एल एंड मिड पॉइंट से प्लस चार्ज तक का एल, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में 2L हो गया। और चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका नेचर अलग है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, दो एक जैसे बट अपोजिट नेचर के चार्ज, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब हमारे पास दो चार्ज हैं जो बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन उनका नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उनको अगर हमने 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड रखा हुआ है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जैसे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है
बीच में टोटल तो 2L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर 1L की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मुझे इस डायपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करना है कि इसमें ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसको हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी से मेजर किया जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास में एक फॉर्मूला भी होना चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए भी एक डेफिनेशन है। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस 2L। मतलब जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है उसका सिंबल हम लोग पी रखते हैं, जैसे मोमेंटम का सिंबल होता था उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का सिंबल भी पी होता है। तो पी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक चार्ज ले लीजिए और डिस्टेंस 2L ले लीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो होगा 2QL। यही डायपोल मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतना स्ट्रॉन्ग या उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, और जितनी कम आएगी उतना ही वीक हमारा डायपोल होगा। एट द सेम टाइम डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इसकी SI यूनिट क्या है, CM का मतलब वैसे आप जनरली सेंटीमीटर समझते हैं, बट इसीलिए ये सेंटीमीटर आप इसे ना समझो तो बीच में मैंने एक हाइफ़न लगा रखा है। C का मतलब हो गया कूलम, Q चार्ज जो है, तो चार्ज के लिए हम लोगों ने कूलम यूनिट ली, और लेंथ को आप हमेशा मीटर में मेजर करोगे तो कूलम मीटर, इसकी SI यूनिट हो गई कूलम मीटर। और वो सेंटीमीटर ना लगे उसके लिए बीच में एक हाइफ़न लगा देंगे। और इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCl, HCl को अगर आप डिसोसिएट करो तो अपने पास हमारे पास में एक H+ और Cl नेगेटिव दो मतलब चार्ज आ जाते हैं, और उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस रहेगा, तो वो भी एक डायपोल को मतलब डायपोल कंसीडर किया जा सकता है।